डायनामो के फैंस ने हेटर्स की गाफ मारी है। ओए यार, लाइनअप इज इम्पोर्टेंट रवि भाई। मैं नहीं, मेरे को नहीं लगता, आई मीन आई डोंट बिलीव इन दैट स्टेटमेंट। होगा काफी लोगों के लिए, लोग सोचते होंगे इस बारे में। मैं भी सोचता था, मैंने भी करके देखा, ऐसा नहीं कि एक बार करा और छोड़ दिया, मैंने भी काफी साल करे, काफी टाइम सबको मौका दिया, करके देख लिया है। अब नहीं, एंड गाइज आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि यार बार बार मत बोला करो ये लाइनअप लाइनअप लाइनअप, है ना। मैं अगेन आपको सेम रिप्लाई देते रहता हूँ, मुझे भी बुरा लगता है कि यार मैं सेम रिप्लाई आपको दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी बार रिप्लाई दूँ सेम, ना आपको समझ में आता है फिर भी आप करते रहते हो। बेटर है कि मत ही करो यार, आपको तो पता ही है नहीं करने वाला हूं, तो क्या ही मतलब है ना। जब कोई मौका रहेगा फ्यूचर में, मैं खुद से सामने से बोल दूंगा कि हाँ गाइस कर रहे हैं करके। इवन T2 में डिफरेंस है ना भाई, लास्ट टाइम अब T1 ही थी ब्रो, उन्होंने उसके पहले एक BGIS या कोई भी एक अच्छा क्वालिफाई किया था और काफी सही थे वो, और इवन अच्छा खेल भी रहते हैं, काफी तगड़ा कर रहते हैं, उसी की वजह से लिया था। बट भाई डोंट वेस्ट मनी ऑन ई स्पोर्ट्स। भाई बी अलर्ट रहना, कुछ लोग आपसे कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। अरे भाई इतना फालतू का वेला टाइम नहीं है मेरे पास यार, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बढ़िया स्ट्रीम मार रहा हूँ, अच्छा भी आ रहा है बढ़िया सा, तो काम पे फोकस करते हैं। ये सब फालतू की बक्चियों की, जो वेले होते जिंदगी में वो वही करते हैं ये सारे काम, कॉन्ट्रोवर्सी वाले, जो जिनके पास काम धंधे हैं आगे से गाड़ी वो इन चेंज सब कर लेंगे। फालतू हाँ बक्चियों में नहीं पड़ते। कर ही लेते हैं।